हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल मैच नंबर 66 आज खेला गया लखनऊ और कलकत्ता के दरमियान। बहुत ज़बरदस्त ये मैच रहा। इस वीडियो में सेकंड इनिंग की अपडेट शेयर करूंगा। होप कि आप एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जोरों शोरों से जारी है। 2022 का जो एडिशन उसका चल रहा है, बल्कि अपने अख्तिताम की जानब गामजन है, क्योंकि आज उसका 66वां मैच खेला गया लखनऊ और कलकत्ता के दरमियान। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये मैच रहा। लखनऊ ने आज टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया और 210 रन बनाए बगैर किसी विकेट को खोए हुए, और यूं 211 रन का टारगेट दिया कलकत्ता की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। तो कलकत्ता की टीम के शुरू में ही दोनों प्लेयर जो ओपनर थे आउट हो गए जल्दी ही। उसके बाद आने वाले खिलाड़ियों ने, नितेश राणा ने इनिंग को संभाला दिया और उससे बाद में आने वालों ने भी टीम को में जान डाली, और यूं उन्होंने जो कि अपनी बैटिंग थी उसको बरकरार रखा और फाइटिंग की और फास्ट बैटिंग की कोशिश करते हुए विकटें भी खोते गए और स्कोर भी बनाते गए। और एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि ये टीम मैच जीत जाएगी, क्योंकि आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया और शुरू में पहली बॉल पर चौका और दो बॉलों पर दो शानदार छक्के लगाकर मैच में सनसनी फैला दी कलकत्ता के बैट्समैनों ने। लेकिन लास्ट दो बॉलों पर दो लगातार विकटें गिरने से ये मैच दो रन से लखनऊ की टीम जीत गई और कलकत्ता ये मैच जीता हुआ हार गई। तो आईपीएल 2022 का जो 66वां मैच था वो लखनऊ के नाम रहा और कलकत्ता को आज के मैच में शिकस्त हुई और कलकत्ता लगभग इस टूर्नामेंट से भी आउट होती हुई नज़र आ रही है। होप कि ये अपडेट आप लोगों ने पसंद की होगी कि आज का जो 66वां मैच था वो लखनऊ ने यहाँ पर जीत दर्ज की और कलकत्ता नाइट राइडर को यहाँ पर एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। गो के उनके बैट्समैनों ने खूब फाइट की और बट विकटें गिरने की वजह से उसे यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और लखनऊ के बॉलरों को भी यहाँ पर दाद देना होगी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गो के आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये मैच कलकत्ता की टीम जीत जाएगी, लेकिन लखनऊ का जो बॉलर था उसने अपनी टीम को इस मैच में फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। मार्क स्टोन ने टेक केयर, गुड।